नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। मोदी की नई टीम बन चुकी है और अब सियासी टेस्ट मैच की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी ने जो मंत्रिमंडल चुना है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी ने आगामी यूपी चुनाव को पूरे ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, या यूं कहें कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदल कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश से कुल 7 मंत्री चुने गए हैं जो देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त यूपी पर है। हो भी क्यों ना भला, दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी तो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। बहरहाल, चुनाव में 7 महीने ही बचे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार से बड़ा मौका क्या हो सकता था कि यूपी के सियासी समीकरण फिट कर दिए जाएं। इसलिए यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन 7ों के 7 नए मंत्रियों का सिलेक्शन, या कहें मोदी टीम में एडमिशन, बहुत बारीकी और बहुत काट छांट के बाद हुआ है। अब इन 7 मंत्रियों के एडमिशन से कई लोग जो वो मंत्री वाली कुर्सी के सपने कई सालों से संजोए बैठे थे, खुश नजर नहीं आ रहे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो शान से मंत्री जी बने बैठे भी थे, उन्हें भी बीजेपी ने समझा बुझा कर टाटा बाय बाय कह दिया है। फिलहाल अब जो नया मंत्रिमंडल चुना गया है, जातिगत समीकरण मुख्य तौर पर ध्यान में रखे गए हैं, साथ ही अलग अलग इलाकों का भी ध्यान रखा गया है। आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कौन है ये 7 चेहरे जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है, कौन है बीजेपी के 7 नए पत्ते और इनके जरिए कैसे चुनावी समीकरण सेट किए जाएंगे, ये भी जानना दिलचस्प होगा। अनुप्रिया पटेल, तो मोदी की यूपी टीम में पहला नाम आता है अनुप्रिया सिंह पटेल का। अनुप्रिया सिंह पटेल का जन्म 28 अप्रैल 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। अनुप्रिया पटेल सोनलाल पटेल की बेटी हैं, वही सोनेलाल जिन्होंने यूपी में अपना दल राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। अनुप्रिया ने मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की है और MBA भी किया है। अनुप्रिया कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, ना उन्हें कभी राजनीति में दिलचस्पी रही, ये बात वह खुद कई बार कह चुकी हैं। पर पिता सोनेलाल पटेल की अकस्मात मौत के बाद अनुप्रिया ने राजनीति में कदम रखा और पार्टी को संभाला भी। अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल अपने समय के बड़े नेताओं में शामिल थे और जनता के बीच बड़ा वर्चस्व रखते थे। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में से एक भी माना जाता है। लेकिन आगे चलकर बसपा प्रमुख मायावती से मतभेद के चलते उन्होंने BSP से खुद को अलग कर लिया था। सोनेलाल पटेल ने 1955 में अपना दल की स्थापना की जो अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। 2009 में एक हादसे में सोनेलाल पटेल की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अनुप्रिया ने पार्टी में कदम रखा और राष्ट्रीय महासचिव बन गई। अनुप्रिया और उनकी 3 बहनों ने ही सोनेलाल पटेल की अर्थी को कंधा भी दिया था। अनुप्रिया ने जब राजनीति में कदम रखा तब उनकी उम्र महज 28 वर्ष थी। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल के हाथों में पार्टी की कमान थी और अनुप्रिया अपनी मां के साथ कदम से कदम मिला के चलती रही। आगे चलकर परिवार में तनाव हुआ और पार्टी के 2 हिस्से हो गए। हालांकि अनुप्रिया ने कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे और उत्तर प्रदेश में 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में अनुप्रिया ने वाराणसी के नजदीक रोहनिया विधानसभा से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 में पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद बन गई। अनुप्रिया को सांसदी मिली तो रोहनिया विधानसभा की सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुए। अनुप्रिया की मां ने खुद रोहनिया से चुनाव लड़ा। हालांकि अनुप्रिया चाहती थी कि उनके पति आशीष सिंह पार्टी के उम्मीदवार बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद परिवार में चल रहा तनाव और बढ़ गया। ये तनाव ऐसा बढ़ा कि अनुप्रिया और मां कृष्णा पटेल पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपना अपना दावा करने लगी। कृष्णा पटेल ने चुनाव में मिली हार के बाद कुछ महीनों में ही अनुप्रिया पटेल और उनके 6 सहयोगियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि तब तक अनुप्रिया पटेल अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। वह तब तक केंद्र में मंत्री भी बन चुकी थी। इसके बाद साल 2016 में अनुप्रिया ने अपनी अलग पार्टी अपना दल सोनेलाल का गठन किया। हालांकि वह पार्टी के अध्यक्ष 2018 में बन सकी। उधर अनुप्रिया पटेल और उनकी मां की पार्टी पर अधिकार को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। बता दें, इस विवाद की वजह से कृष्णा सिंह ने भी अपना दल केमरावेदी नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया है। पंकज चौधरी, मोदी कैबिनेट में शामिल दूसरा नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी पूर्वांचल के महराजगंज संसदीय सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं। सियासत में अपनी शालीन छवि के लिए मशहूर पंकज चौधरी ने गोरखपुर नगर निगम में पार्षद से अपनी राजनीति का सफर साल 1989 में शुरू किया था। वह उप महापौर भी रह चुके हैं।
पंकज चौधरी साल 1991 में प्रदेश बीजेपी में कार्य समिति में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। यहीं से सियासत में उनका कद बढ़ना शुरू हुआ। 10वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें महराजगंज संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया। पहली बार में ही वह चुनाव जीत भी गए। पंकज चौधरी पहली बार में चुनाव तो जीते ही, पर इस जीत के साथ उनकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने एक के बाद एक जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन 13वीं लोकसभा में चुनाव हार गए। हालांकि 14वीं लोकसभा में जनता का भरोसा जीतने में वह फिर से कामयाब हुए और एक बार फिर सांसद चुने गए। इसके बाद 15वीं लोकसभा में फिर उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस असफलता को पंकज चौधरी ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जनता के बीच बने रहे। इसके बाद 16वीं व 17वीं लोकसभा चुनावों में उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की। भानु प्रताप वर्मा इस टीम में तीसरा नाम है भानु प्रताप वर्मा का। भानु प्रताप वर्मा कोंच तहसील के मालवीय नगर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1957 में हुआ था। यूं तो उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1991 में हो गई थी, जब भानु प्रताप पहली बार कोंच विधानसभा सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले भी भानु वर्मा 1988 में अपने वार्ड से सभासद चुने गए थे। इसके बाद वह 1991 में विधायक बने। 1996 में जनपद जालौन की लोकसभा सीट जालौन गरौठा नाम से थी, जिसमें चार विधानसभा थी, उरई जालौन विधानसभा, काल पीमा धौगढ़ और कोंच विधानसभा। चारों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा को जीत मिली और पहली बार भानु प्रताप वर्मा सांसद बने। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा दूसरी बार विजयी घोषित हुए। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भानु प्रताप वर्मा ने जीत हासिल कर बीजेपी का परचम लहराया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के भानु प्रताप वर्मा एक बार फिर जो विजयी रहे, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भानु प्रताप वर्मा को एक बार फिर जीत मिली। कौशल किशोर अब इस टीम में तीसरा नाम आता है कौशल किशोर का। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के बेगरिया गांव में जन्मे कौशल किशोर पासी जाति के किसान परिवार से आते हैं। बचपन में ज्यादा पैसे न होने के कारण किशोर के पास बहुत सीमित साधन थे। पढ़ाई लिखाई में एवरेज, लेकिन अपनी ईमानदारी और जिज्ञासु दिमाग के लिए कौशल किशोर खूब चर्चित थे। उनके गांव वाले उन्हें बहादुरी की मिसाल मानते थे। वह कहते थे कि कोई भी कौशल का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमेशा सच और सही के लिए खड़े रहते हैं। बताया जाता है कि उनके माता पिता उनकी चिंता में ही रहते थे, क्योंकि कौशल सच की लड़ाई के लिए किसी से भी भिड़ जाया करते थे। वे उन छात्रों के साथ हमेशा रहते थे जो कमजोर या किसी भी प्रकार के शोषण और भेदभाव के अधीन थे। बचपन में जब उनसे पूछा जाता था कि वह खुद लड़ाई को न्योता देकर घर वालों की परेशानी क्यों बढ़ाते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब कौशल किशोर कहते हैं कि यह उनकी न्याय की भावना थी जो उन्हें उन लोगों से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती थी। यह भी बताया जाता है कि अगर उनके पिता उनकी माता पर आवाज उठा भी दें, तो कौशल उनसे भी रोकते थे। कौशल किशोर अन्याय नहीं देख सकते। लखनऊ के कालीचरण इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद कौशल किशोर ने सीआर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, क्योंकि वह पारिवारिक बीमारी और मजदूरों और किसानों की मदद में शामिल हो गए थे। बीएल वर्मा अब टीम में अगला नाम आता है बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा बदायूं से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार में कई नामों के चर्चा के बीच उनका नाम भी शामिल था। बदायूं में उझानी ब्लॉक के जेवरा पारवाला गांव के रहने वाले बीएल वर्मा ने 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह व तहसील प्रमुख के रूप में अपना सामाजिक सफर शुरू किया था। वह भारतीय राजनीति एवं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। इसके बाद 1997 में वह भाजयुमो के प्रदेश मंत्री बने। साल 2003 से 2007 तक वह भाजपा के प्रदेश मंत्री भी रहे। बीते वर्ष ही उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और अब मोदी की टीम में शामिल होने के बाद सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल अब अगला नाम आता है एसपी सिंह बघेल का। एसपी सिंह बघेल ने साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ा था और एक तरफा जीत हासिल की थी। एसपी सिंह बघेल इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। 1989 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सीएम की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। लंबे चौड़े शरीर और भारी भरकम आवाज वाले एसपी की ईमानदारी और लगन मुलायम को बहुत पसंद आई। देखते ही देखते वह मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। साल 1998 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के कहने पर एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया।
मुलायम ने उन्हें जलेसर सीट से चुनाव लड़वाया और एसपी सिंह बघेल ने जीत दर्ज की। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजय मिश्रा टेनी। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है अजय मिश्रा का। अजय मिश्रा खीरी लोकसभा सीट से 2019 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। इससे पहले वह 2012 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी की निघासन सीट से चुने गए थे। हालांकि 2014 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और खीरी लोकसभा सीट से टिकट दिया। उन्होंने करीब 1,10,000 मतों के अंतर से बीएसपी के उम्मीदवार अरविंद गिरी को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और समाजवादी पार्टी की पूर्व वर्मा को रिकॉर्ड 2.25 लाख मतों से हराया। अजय मिश्रा 25 सितंबर 1960 को लखीमपुर खीरी के निघासन में बनवीरपुर में जन्मे। उन्होंने बीएससी और एलएलबी तक की पढ़ाई की है। तो ये थे टीम मोदी के उत्तर प्रदेश के 7 खिलाड़ी। अब बात कर लेते हैं मोदी मंत्रिमंडल की। कई चेहरों को शामिल किया गया तो कई को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह को एक और जिम्मेदारी दी गई है और गृह मंत्रालय के साथ साथ शाह को सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि मोदी की टीम अब कैसी नजर आने वाली है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, सर्वानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री भी, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ज्योतिरादित्य एन सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री, राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री, जी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मंत्री पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री। तो ये हैं अब नजर आने वाली टीम मोदी। बुधवार को पूरा दिन मंत्रियों के इस्तीफे का दौर चलता रहा तो शाम को शपथ ग्रहण का। मंत्रिमंडल में इतना बड़ा बदलाव राजनीतिक इतिहास में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी चौंकाने में माहिर हैं और जैसा कि उनके समर्थक कहते भी हैं कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।